ये कैसे मुमकिन कर दिया गया? क्या वो एक सूत्र था जिससे ये इजी हो गया? वैक्सीनेशन के लिए देखो, हमारे यहाँ भी हम लोग इसका प्राइस दे चुके हैं ये सब। मैं मेरा @DrGodseRavi1 करके मेरा ट्विटर हैंडल है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको राजनीति की सेहत सुधारनी हो तो आप सेहत में से राजनीति को निकाल दो। हमारे यहाँ ने बहुत प्राइस दिए अमेरिका में। वो फाइजर वैक्सीन का डेटा सितंबर में आया था लेकिन हमारा नवंबर 3 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, इसके लिए उसकी वजह से उसको दबा के रख दिया। नहीं तो हमारा हमारा सेकेंड वेव आता ही नहीं था। लेकिन अभी अमेरिका में क्या किया है, ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो बड़ा फेडएक्स और यूपीएस, ये तो कितने एक दूसरे को, जैसा कि वीरू और गब्बर हो, इतने एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन फेडएक्स यूपीएस अभी साथ में आए हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ घंटों में होता है। ये जो वैक्सीन लिया हुआ जो विमान उतरता है एयरपोर्ट पे, तो उसको सबसे प्रायोरिटी क्लियरेंस होता है। पुलिस की गाड़ी लाल बत्ती की उनके वैक्सीन के आगे पीछे चलती है और ज्यादा सोचते नहीं है, कार्ड लोगों को दे देते हैं, आप दे दो जल्दी से कर दो, ऐसा होता है। और दूसरी मैं क्विकली बात कहूंगा, आपने पूछा नहीं है, ये जो कह रहे 80% लोगों का वैक्सीनेशन होने तक नहीं, ये गलत बात है। हमें ऐसा तो 2-3 साल चलेगी महामारी। मैं मेरा पूरा रेपुटेशन स्टेक करके कह रहा हूँ, ये हम लोग सोच रहे हैं उससे जल्दी खत्म होगा, क्योंकि जितने हमारे लोग संक्रमित हो रहे हैं वो जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी अच्छी लग रही है, वो भी म्यूटेशंस के आगे बचा रही है। अगर 3.5 लाख केस आ रहे हैं, एक आदमी के पीछे 10 आदमी, मतलब 35 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं, 8-10 दिन में वो ठीक हो गए। हमारा ये महामारी हम सोचते हैं उसके पहले ही खत्म हो जाएगी। हमारा हर्ट इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड सिर्फ 56% रहेगा। ये 2-3 साल नहीं चलने वाला है। ये तीसरी लहर ऑप्शनल है, लोगों को ज्यादा डराइए मत, डर गए तो वैक्सीन नहीं लेंगे। जो हाथ में पकड़ा वो टीका ले लो, सब फॉरेन वैक्सीन को इंडिया में आज लाओ, अभी लाओ, सबको एट रिस्क परमिशन दे दो। गवर्नमेंट क्यों बीच में आ रहा है? अगर कोई आदमी लेना चाहता है तो खुद के डॉक्टर के साथ बात करके ले सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन बेस्ट वैक्सीन है इंडिया के लिए, सिर्फ एक टीका लगता है। वो इसराइल में 95% चली, एक साइनोवैक करके वैक्सीन थी, चाइना की वैक्सीन है, बड़ी खराब वैक्सीन है, मामूली वैक्सीन है, 52% प्रभावी है, लेकिन वो चिले में 85% चली हॉस्पिटलाइज रोकने को। ये वैक्सीनेशन ही तरीका है, जल्दी से जल्दी करो, सबको दे दो। ये जो बात कही जा रही है डॉक्टर क्लेयर, अब ये देखिए, अब क्योंकि 80% हर्ड इम्यूनिटी, वो कह रहे हैं नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, 66% में भी हो जाएगी। दूसरा, तमाम म्यूटेंट्स में ये प्रभावी है, इसको लेकर कोई भ्रम ना फैलाया जाए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, यहाँ जो कहा जा रहा है कि जब तक ब्रिज स्टडी नहीं हुई है आप अगर दे देंगे तो कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। ये एक्चुअली हर चीज के लिए इंडियन स्टडी करनी जरूरी नहीं है, वो मैं मानता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो अमेरिका वालों ने बताया है कि ये हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस चीज़ की स्टडी करें। आई थिंक हमें जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसमें जो रेड टेप है उसको ख़त्म करें, और जितनी भी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन कर सकते हैं वो करना चाहिए। देखो, इंडिया ने मेरे ख्याल 3 चीज़ों ने बर्बाद किया है। एक तो है बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, 2 हमारा लैक ऑफ डिसिप्लिन है, 3 हमारे इंडिया में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये इस 3 चीज़ों ने बर्बाद किया है, इसलिए हम कोई भी काम ठीक नहीं कर पा रहे, इसलिए हम पीछे। एक कंक्लूडिंग रिमार्क शिवाज साहब आपसे 30 सेकंड में। मैं यही बताना देना, मैं एक ही बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन की ड्राइव को तेज करो, ये कोविशील्ड कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को जल्दी लाओ। अगर हमने 50-60% पॉपुलेशन को इम्यूनाइजेशन करना है, वैक्सीन लगानी है, तो हमको और प्लेयर लाने पड़ेंगे, कम से कम 1-1.5 साल में 50% पॉपुलेशन करो। सेकेंड, ये रूरल एरिया की तरफ बढ़ रहा है अभी। हाँ। अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ आ रहा है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये अभी वेस्टर्न से सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि रूरल एरिया में लोग अभी भी। एक आखिरी 30 सेकंड में रामास्वामी मनी जी को भी देना चाहता हूँ, उनके पास भी जाना था। मनी साहब, ये जो वैक्सीन को लेकर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर की बात कही जा रही है, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि फिर पूनावाला साहब क्यों चले गए यूके, वो कह रहे हैं उधर काम करेंगे, क्या हम कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना पा रहे हैं? ये पूनावाला साहब की तो प्लांट भी जल गई थी बेचारे की, और किसी राजनेता ने उसमें कहा था ये एक्सीडेंट है, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, वो अलग बात है। परंतु कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर के लिए पहले ऊटपटांग स्टेटमेंट देना बंद करें, किसी भी राजनीतिक दल के हो, आपस में तालमेल और निर्णय जल्दी होना चाहिए, तुरंत निर्णय। हमारे यहाँ कई बार राजनीति में
निर्णय का जो फैसला लेना होता है वो बहुत दिन तक चले जाती है, वो अफसरशाही अधिकारी शाही हो या राजनीतिक गण के लोग हैं। और अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जुड़े हुए ऑफिसर ये कह रहे हैं कि तुरंत फैसला लिया जाना चाहिए, इस समय रेड टेपिज्म को, ये जो फाइलों में चीजें घूमती रहती हैं उसको किनारे रखिए, तो इसको सुना जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, डॉक्टर गोडसे आप वहाँ अमेरिका से हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत दिल से धन्यवाद और आप दर्शकों का दिल से धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करता हूँ कोविड रिलेटेड पर्सपेक्टिव को और विस्तृत और व्यापक करने में आपको बहुत मदद मिली होगी इस शो से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।